बड़ी मेहरबानी कद्दूस साहब तुसी आए। सर कद्दूस शादी हाल और कद्दूस दे जिन्ने भी रिश्ते कराए ने अल्लाह की मेहरबानी ना पाया तकमील ते पहुंच देने जी माशाल्लाह। और तुसी यकीन करो कि 1199 रिश्ते में कराए ने माशाल्लाह। ए रिश्ता मैं करवाना तो मेरे 1200 रिश्ते हो जाए तुहाडे नाल जल्दी ज्यादा मैनू है। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मेरा समझ लो कि वर्ल्ड कप फाइनल है। मतलब ए रिश्ता तुसी साडी भैण दा अगर करा देंदे हो तुहाडा फाइनल ही हो गया, क्वालीफायर राउंड बनया पिया मेरा। बाजी अल्लाह तुहाडी जुबान मुबारक करे कद्दूस साहब। लो जी मुंडा इस्लामाबाद हुंदा और बच्ची थोड़ी माशाल्लाह पढ़ी लिखी है। हाँ जी, जिस तरह का तुसी रिश्ता चाहते सो वो रिश्ता तुहानू मिल गया। देखो जी माँ बाप के मरण तो बाद ना जी जिम्मेदारी साढ़े दोवां भरावां दी सी, ते असी कहने के भैण नू विआह दईए ना जी, ये फरीजा अंजाम हो जाए तो बस।1199 असूल अपने जगह दे। मैं जो तक किसी की धी भैन का रिश्ता करवा नहीं लेंदा जी जी, मेरे लिए चीज़ा हराम ने, लेकिन तुसी कह रहे हो तो थोड़ा जिहा मैं इन्ना हराम कुछ नहीं कहता नहीं, इन्ना बिस्कुट कुछ नहीं कहता खाओ। हाँ इन्ना बिस्कुट जी इन्ना बिस्कुट कुछ नहीं कहता। तो यकीन करो हाँ जी, मैं अपनी लाइफ च बड़े बड़े रिश्ते कराए ने, लेकिन यह रिश्ता अनबिलीवेबल है सर। मेरे लिए मंगाया तुसी सर, तुसी बिस्कुट खा रहे हो। मौसमी है, मौसमी है मौसमी है केड़ी मेरी अम्मी है जी मजाक आई थी बंदे जी। मैं तुम्हें ये दस रहा सी हां जी कि तुसी ओ फिकरा सुनया होएगा की जी कि बंदा मिट्टी नु हाथ लांदा तो सोना हुंदा। वाह वाह, मैं उन्हें देखया जी जी। अच्छा जी, मैं अपनी अखां नाल देखया कि उन्हें मिट्टी नु हाथ लाया तो सोना हो गया। कारोबार कोई मुल्क दसो जे च उहदा कारोबार ना होवे, दुबई तो लैके कैनेडा तक, कैनेडा तो लैके आस्ट्रेलिया तक, नॉर्वे, हर जगह तो कारोबार है। मैं तुहानू दस नहीं सकदा लाल हुंदा मौसमी फल खाना चाहिए, मौसमी खाना चाहिए, बर्फी रख लो फिर। अच्छा तो मैं गल ये कर रहा कि मुंडा कसम है बाय गॉड, देखो जी साडी भी कली कली भैन है, तो माँ प्यो के मरण तो बाद जिम्मेदारी साढ़े दोवे भरावान की सी, तो तुम सबबी टक्कर गए हो, खत्म हो गई थोड़ी, खत्म हो गई। तुम कद्दूस न फोन करता सर देखो है पानी जी, जी शुक्रिया कद्दूस साहब, पानी पियो, कद्दूस साहब पानी पियो जी, शुक्रिया शुक्रिया। बर्फी ना पानी बहुत अच्छा होंगे थोड़ी मजाक करने की आदत, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा। शुरू तो मेरी आदत है सर बहुत अच्छा। हाँ जी, लेकिन एक गल तुम दस दवा, तुम मेरे कारोबार से हाँ जी उंगली चुकी है। नहीं जनाब, असि जो तुम फोन कर दिता कद्दूस न, तो फिर जिम्मेदारी थोड़ी नहीं मेरी हो गई। मैं तो उन्होंने पहले कह रहा सर, मैं क्या फलक अपनी भैन का जो रिश्ता अपना जितने कर लगे ना, मतलब सानू तो नहीं पता बंदे कौन ने जोड़ा बंदा रिश्ता कराने लगा ना वो एंड एंटीक अनबिलीवेबल, जेड़ा फिकरा कवो उस मुंडे के सामने फिका है। वाह, हर जगह कारोबार, हर नसवार का कारोबार जो नहीं उन्होंने छड़िया। नसवार का कारोबार जी जी, बड़ा पैसा जी ये तुसी सिर्फ 20-30 रुपए की पुड़ी ना समझो। हाँ जी, बड़ा कारोबार है भाई जान। अच्छा अच्छा अच्छा, पेशावर वाले साइड से शॉर्ट होंगी, क्वेटा शॉर्ट होंगी, लेकिन वो कद्दूसा मुंडा नसवार आप तो नहीं खाता जी। सर सादा सपारी नहीं खाता, कोई सिगरेट नहीं पी सकता। नहीं अच्छी गल है, नसवार कमीज तो अच्छी चीज है। कद्दूस साहब साढ़े जदों के वालदेन सिर तो गए ने जी जी, साढ़े खानदान च ना बच्ची इन्ना पढ़ाते ने, लेकिन असी अपनी भैन के इन्ने नाजो नखरे रखे आ, इन्ने ख्वाहिशा पूरी कीतियाँ, उन्हें कॉलेज तो बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, असी उन्होंने पढ़ाई नहीं चढ़ाई, असी मतलब कल भी बैठी ना, पुत्र पढ़ी जा बैठी, सुते पैन साढ़े तो बैठी पढ़ी जाती है। सर सिर्फ दुआए करो, हाँ जी नेक लोग लग रहे हो मैं, दुआए करो कि मुंडा टाइम कढ़ के आ जाए, बड़ी मुश्किल ना। मैं अच्छा मुंडे की दुआ भी असी करनी, कुड़ी की भी असी करनी। नहीं नहीं सिर्फ आ जा ना। अच्छा आंदा नहीं फरहान साहब, बहुत मीटिंगा पांच दिन लेट होंदिया ने उन्होंने, नहीं तो टाइम ना काम क्यों नहीं कर दे। नहीं 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 सर, नॉर्वे तो लैके नॉर्वे गए हूँ। हाँ जी, तो दो दिन की वो फ्लाइट है। जिस बंद ने शादी करनी है उन्होंने नॉर्वे का की जी, छोड़ो इन्हों ग नाम वेखो कि खूबसूरत फरहान, फरहान आप कि प्यारा होगा, माशाल्लाह। कदों आएगा इस फरहान परेशान हो गए
ਭਾਈ ਜਾਨ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਆਖੇ ਸਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਸੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਫਿਕਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਸੁਖੀ ਉਹਦੀ ਜੱਦ ਸੁਖੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧੀ ਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 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 ਇਹ ਉਸੇ ਕਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਬਣਿਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਓ ਸੌਰੀ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਕੁਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਟੋਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ 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 ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਭਾਈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 667 ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਮਲੰਗਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 667 ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਲੜਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਸਰ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਫਲਕ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਇਤਿਆਤ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਤਿਆਤ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਕੱਚ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੱਚ ਦਾ ਖਡਾਉਣਾ ਸਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੱਚ ਦਾ ਖਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਤਿਆਤ ਐਡੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਜਿੱਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ ਇੰਜ ਪੀਤੀ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਫਰਹਾਨ ਦਾ ਤੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੂਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ 1200 ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਫਿਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਆ ਜਾਓ ਸਰ ਸਰ ਆਓ ਨਾ ਸਰ ਆਓ ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਸਰ ਸਰ ਆਈਏ ਨਾ ਸਰ ਆਪ ਆ ਮੇਰੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗੋਆ ਫਰਾਂਸ ਸਰ 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 ਪਲੀਜ਼ ਸਰ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਕਮਿੰਗ ਸਰ ਸਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸਰ ਇਹ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈਂ ਫਰਾਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਚੋਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੂੰ ਆਪ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਉਧਰ ਅਸਲ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣੀ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਾਂ ਪੁੱਠੇ ਲਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਆਪ ਲੋਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਭਾਈ ਆਪ ਉਰਦੂ ਮੇਂ ਰੱਖੇ ਇਹ ਨਾਰਵੇ ਨਾਰਵੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਨਾਰਵੇ ਕਿਉਂ ਆਸਟ੍ਰੀ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸਰ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਕਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਆ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਤ ਐਸੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੋ ਵਾਸ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ ਇਨਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੇ ਸੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਰ ਸਰ ਲੈ ਨਾ ਹੈਲੋ ਉਹ ਕਦੂਸ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਜੀ ਰੱਖ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਈ ਕੀ ਆ ਬਈ ਖਰਾਬ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀ ਕਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 1199 ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਣਤ ਪਾਈ ਕਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨਕਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰੋ ਸਰ ਆਫਤਾਬ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਨਾਬ ਅਬ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੇਖੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਤ ਐਸੇ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਡੀ ਡੀਸੈਂਟ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਡੀਸੈਂਟ ਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ ਫਰਾਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਕਦੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੀਏ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੀਏ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਹਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਕਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਸਪਰੇ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਦੱਸ ਸਾਹਿਬ
साहब आप क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, ती सुखी ते जद सुखी सर इनू दे के ती सुखी जी 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 आप फॉलो नहीं कर रहे, मैं बात पता क्या है ओ भाई हेलो जिंदी साडी गल आ ना करन दे सानू तेरी मेहरबानी तू सिर्फ चुप करके ये बच्चा कौन है सेब तो लेना उथे रख भाई कदूस उथे रख मैं गिन के रखे उथे रख क्या तू ही कटया ना मैं तेनू उथे रख उथे क्या वा दागी है सर तेरे नाल सारे ही घट ने देखिए आप लोग ना मुझे मेरी बात सुने वो गाड़ी के पास कोई है क्या उधर बाबा तो सब तुम्हारे खानदान से कोई मतलब ती भैन नहीं है जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह जी मतलब तुम्हें इस गल का कोई ख्याल नहीं है किसी की बच्ची नूं ब्याहन लगे हैं रिश्ता वेखन लगे हैं गल करन लगे हैं बंदा अगा पिछा भी वेखदा दरअसल असी अपने बच्चियों का रिश्ता बाहर नहीं करते वरना रिश्ता जाने वाला नहीं जो आपकी बच्ची है अपनी रिश्ता बाहर नहीं करते हाँ जी हाँ जी तो साडा बाहर क्यों करा रहे हो मतलब साडी बच्ची सारे फड़ारो ने आइटमा कर मदरसे भेजनी सारी चीजें मेहमान अच्छा वो स्पून किधर है ओए स्पून कर तेरी मेहरबानी रख दे यार अब क्या कर रहे हैं यार ये पेंडू लोग हैं सारे इनको पता ही नहीं मेरा इनको इतनी सेंस ही नहीं बिलियन बिलियन ही रखनी है वाह दी कसम ओदे मुंह तो लग रहा है नु 40 45 रुपए चाहिए इनकी शक्ल तो लग रहा है कि इदे सिर ते बड़ा उधार है तुसी शक्लां देखदे हो मैं तुम दस रहा मैं लग रहा है मूँह के उत्तों किस बंद का अपना घर नहीं है धी का फ्यूचर वेखो मैं फ्यूचर असं वेख लाँगे तू ए जाके कोई फ्यूचर वेख पता नहीं किड़ा सियाना बंदा है जिहड़ा कहिंदा सी घर आए मेहमाना ना बदतमीजी नहीं करेगी सर ये तो कर रहे थे मजाक ये फलक भाई ने और आफताब भाई ने आप लोग ना आपके लिए मौसमी है अपने हाथों वेरी गुड यार देखो सबर को पानी साडिया अपनिया ने ओना मेंदे पुत्र नो सर मेरा अपना सीना सड़न दे खाओ भाई तुसी मेहमान फरहान साहब के आपके चाय भी मना कर यार ये आप लोग ना बुजुर्गों वाली बातें कर रहे हैं आप लड़की बात बताएं पढ़ी लिखी है टेंशन ना ले आप ज्यादा ना बोले आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है मैं ये मुझे पता है ना इनको मैं फील कर रहा हूं इनको पता नहीं चल रहा इस बच्चे को बाहर भेजो जरा यकीन करो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਸੀ ਬਾਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛਿੱਤਰ ਵਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਤਾਂ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਇਨ ਬਾਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਕੀ इनकी फैक्ट्री के बाद आप जैसे गार्ड खड़े होते हैं जी ऐदे वास्ते उर्दू नहीं बोलना तेरी मेहरबानी बस चुप कर जा एक्सक्यूज मी मेरी बात सुने अच्छा एक शर्त पे ब्याह करेंगे असि हां जी असि रस्म दूल्हा छु एक शर्त पे ब्याह करेंगे असि रस्म करनी है केड़ी जी दूल्हा छुपाई हां मुड़ के कढ़ना नहीं असि नु हां सर ये स्पेशल बना के लाए क्या बात है यार छड़ी मेरे भाई क्या है ये मुस्लिम डेट एक्सपायर चीजें हां जी डेट एक्सपायर कहना चाहिए अच्छा जो जिस तरह का कारोबार है ना अल्लाह के फजल उंज दी अंग्रेजी है कोई मुझे उर्दू आती नहीं तेरे मुल्कों में जाते हैं ना उर्दू आती नहीं ना तेनु उर्दू आंदी ना तेनु हया आंदी ना तेनु गैरत आंदी ये कौन आदमी है यार इसको पता ही नहीं मेरा फरहान साहब आपने कूल माइंड रहना ये देखिए फरहान है ना ना जी ये देखिए आपने कूल माइंड रहना इधर ना फरहान है भाई जान जी 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 जदों का तुम इन्हों का फरहान दसिया ना मैं फरहान परेशान बैठा हूँ अच्छा एक्चुअली बात सारी छोड़ दें नई बात करते हैं हेलो नई बात करते हैं भाई रुके 1 मिनट जरा 1 मिनट भाई तीन चार बारी 15 पे फोन कर उन्होंने कहा जेडे लागे हो ना वो आ जाओ भाई रुके मेरी बात सुने जरा 1 मिनट आ जाते हैं क्या मैं सर, नहीं चाहिए इनके कदमों में गिर जाएगी ओ भाई जान 1 मिनट ठहर जो साहब मेरी बात फॉलो नहीं कर रहे हैं मैं यार तू साडी नहीं फॉलो करन दे ये प्लीज है ये प्लीज है मुझे नहीं दे रहे ये हुन हो गए हैं कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं ये जो टिश्यू आपने रखा है ना ये भी इनकी फैक्ट्री का ही है अच्छा इन्हें तो फैक्ट्री को चुके लगे हैं भाई एक एक हेलो ये कौन लोग हैं यार हेलो बाजी ओ तैयार ती उड़ना तू अपने काम कुम कर आओ रहने दे कोई लोड़ नहीं पार्लर ते जान दी वो कहती सी ना मैं 10 साल बयान करना हां उनका अपनी मर्जी कर आहो अपनी मर्जी ना कर ला कोई नहीं खैर आ यार आप मेरे गेस्ट की तोहिन कर रहे हैं भाई मैं उसे कुछ नहीं कहता यार असि कहने भी नहीं देना आप मेरे गेस्ट की इंसल्ट कर रहे हैं आप कुछ नहीं है टीवी लगा घर ओदी आवाज आंदी है उच लड़ाई होंदी है आफताब साहब आप तो समझदार आदमी है बंदा देखे और बंदा
कौन आ गया आपके घर? भाई आपका भी टीवी की आवाज कट कर दे, एक बंदे का मुंह मिंगा जा ओते इट बज गई है। और सामान वगैरह बनाया आपने उसका कुछ? वेरी गुड, असला बनाया सी सर। फरहान साहब आप क्यों नहीं समझ रहे? क्यों यार कहां आ गया मैं यार? मुझे मेरा आई एम सॉरी पेन हो रही मेरे सुर को सर। इट्स माय फॉल्ट। अपना हाथ देख लिया तो ना रिएक्शन हो गया। भाई आई एम रियली सॉरी, इट्स माय फॉल्ट यार। मुझे मैं आपको गलत जगह ले आया, ये आपके पर्सनैलिटी और आपके काबिल लोग नहीं थे। सेंस ही नहीं लोगों को मशरूम में। तुसी मैं क्या अपनी फैमिली का बाहर रिश्ता क्यों नहीं करदे? एक अद्धी तक बन नहीं रही तो अपना 1200 तो पूरा कर, तेन पता लगे सजा की होंगी। एक अद्धी तक कर ही खाना शाना बनाना थे लड़की को। हाँ जी खाना शाना बना लेती कुकिंग सारी। बड़ी अच्छी कुकिंग करती है। कौन से खाने आते हैं? पाकिस्तानी के मसलन चाइनीज खाने भी आते हैं। गोभी दी गाड़ा बहुत अच्छी कट गोभी। फिर कौन लोग हैं यार ये? मुझे नहीं समझ आ रही इनको। मैं लाइक ही नहीं करता गोभी, अब कैसी बातें कर रहे हैं? इतने अच्छे लोग थे। हमारे घर में खाने और पकते हैं। और उसे शौक क्या है मसलन किसी चीज का बताएं मुझे? मसलन एक्चुअली मसलन होता ना बंदे को, मैं ये खाऊं ये बनाऊं ये गर्म पानी ना उन्हें किसी से पाना बहुत चंगा लगता है। बंदा सुता पिया होगा ना तत्ता पानी पा के ताड़ियां मार के जरा हंसती है ना घर। और आपकी हॉबी है बच्चों जैसे आप मजाक करते हैं टेंशन ले। बस वो ये बताएं वो पढ़ी लिखी है बाकी कोई बात? बहुत पढ़ी लिखी। गुड गुड गुड। चेहरे चेहरे पढ़ लें दिया पर ताड़ा बहुत मुश्किल है पढ़ना ना। ताड़ा चेहरा नहीं पढ़िया जाता। काले इलम च लिखिया तुम्हारा कैसे बंदे हैं इनको मुझे जानते नहीं है यार। मैं खुश रखूंगा से रज्जी पूजी फैमिली है तो हर चीज से मक्खियां को हाथ लांडे। कद्दूस एक नाम है, एक ब्रांड है कद्दूस। कद्दूस मेरे मेहमान की इंसल्ट कर रहे हैं। चिराग लेके भी ढूंढेंगे ऐसा रिश्ता नहीं है। आप लोगों को सेंस नहीं है। आ नहीं है ओए कद्दूस, मेरी नजरों तो कद्दूस हो यार। उठो भाई सानू रिश्ते बड़े। उठो 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 सर उठो। चल आटी चू ले जा। खुरच खुरच के टच लाना। टच होने टच टच ना करे आप हमारे साथ। देखिए ढाई टच ही होने। फॉलो कद्दूस तू ते लै और तेन तेरी मां की कसम रस्ते जन दिता। मतलब तो मेहमान पछताएंगे बात तो सुने जनाब। पछतान का टाइम जनाब बात तो सुने। मैं अब भी कह रहा हूँ एक दफा नजर सानी कर ले। भाई देखे बात तो मेरे फीस तो दे दें। वो दे देने फीस। चलो चलो बात आधी फीस ही पुत्र ऐ भी बड़ी देर हो गई फड़े जानू। चलो शाबाश भाई बात तो सुने यार। चलो कद्दूस ते आड़ा आधी फीस तो मेरी दे दियो। अच्छा नहीं चल रहा कद्दूस ते आड़ा वाकफ सी मेरा ही सी। चलो भाई मेरी गल सुन तू मेरा भरा ना आहो बाहर आ